प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न MCQ प्रकार के होंगे, अर्थात मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके चार ऑप्शंस भी मिलेंगे, जिसमें से कोई एक ऑप्शंस सही होगा, बाकी तीन गलत होंगे। इन प्रश्नों की लैंग्वेज कैसी होती है, प्रश्न सरल प्रकार के होते हैं, लेकिन लैंग्वेज में परिवर्तन हो जाने के कारण हम उसको समझ नहीं पाते हैं, प्रश्न रॉन्ग हो जाता है। तो इस प्रकार की त्रुटियों को पूर्ण करने के लिए हम एक बार फिर आज कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। बार बार प्रैक्टिस करने से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और प्रश्नों को समझने में आसानी होती है। ये प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जिन प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे वो कक्षा 12वीं के विषय जीव विज्ञान के वाष्पो उत्सर्जन नामक चैप्टर से संबंधित है। इससे पहले भी हमने वाष्पो उत्सर्जन से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया था। प्रिय विद्यार्थियों, इस YouTube चैनल पर दो वीडियो ऐसे भी अपलोड किए गए हैं जिनमें खनिज पोषण से संबंधित प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया गया था। कई विद्यार्थियों की ये डिमांड होती है कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया जाए। तो आज हम इन वाष्पो उत्सर्जन का ये टॉपिक, इनसे संबंधित टॉपिक पढ़ने के पश्चात नेक्स्ट क्लास के द्वारा प्रकाश संश्लेषण टॉपिक को प्रारंभ करेंगे और जैसे ही टॉपिक समाप्त होगा हम विभिन्न प्रकार की प्रश्नों के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप अपने इस चैप्टर की वीडियो को कंप्लीट देखें। देखने के बाद में जब भी हम इस प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए बैठें तो आप अपने पास में नोटबुक रखिए। जब स्क्रीन पर कोई प्रश्न आता है तो उसको पढ़िए, उसके आंसर क्या हो सकते हैं उसको देने की कोशिश करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें वाष्पो उत्सर्जन से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आपकी अपनी डिवाइस की स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है। रंध्रों के खुलते समय रक्षक कोशिकाओं में कौन से परिवर्तन होते हैं? जब स्टोमेटा ओपन होते हैं उस समय गार्ड सेल में, या जिसको हम द्वार कोशिका भी कहते हैं, में परिवर्तन क्या होता है? तो थोड़ा सा इसका कंसेप्ट पहले देख लेते हैं। कंसेप्ट ये है कि ये जो द्वार कोशिका है, इसके पास में जो सहायक कोशिका है, तो उस समय क्या होता है, सहायक कोशिका से द्वार कोशिका में जल प्रवेशित होता है, जिसके कारण द्वार कोशिका खुल जाती है, फूल जाती है, आयतन में प्रसारित हो जाती है, फलस्वरूप इसके मध्य उपस्थित रंध्र छिद्र खुल जाता है। ये रंध्र के खुलने की क्रिया हुई थी। तो इस दौरान जब जल इस द्वार कोशिका में प्रवेशित होता तो होता क्या है? तो सामान्य तौर पर हमने जब एक पादप जल संबंध पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था, प्रारंभ में जब कोशिका सल्त होती है, सिकुड़ी हुई होती है, उस समय बाह्य माध्यम से आंतरिक भाग के अंदर अधिक से अधिक जल प्रवेशित होता है। तो प्रारंभ में इस कोशिका का OP का मान अधिक था, TP का मान कम था, लेकिन जैसे जैसे जल इसके अंदर प्रवेशित होता जाएगा OP के मान में कमी होगी और TP के मान में वृद्धि होगी। TP टर्गर प्रेशर, स्पीति दाब के मान में वृद्धि होगी तो ही कोशिका पूर्ण रूप से अपनी स्पीति अवस्था या फूली हुई अवस्था में आएगी। अब बात करते हैं द्वार कोशिका से संबंधित। रंध्र उस कंडीशन में खुलते हैं जब द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका पूर्ण रूप से फूली हुई हो, अर्थात स्पीति हो। इस स्थिति में स्पीति दाब या TP में वृद्धि होती है, लेकिन
ओपी में कमी होती है। ऑप्शन देखते हैं क्या सही हो सकता है हमारा। ओपी में वृद्धि और टीपी में कमी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड, ओपी तथा टीपी दोनों में वृद्धि संभव ही नहीं होता, एक में वृद्धि होती है तो दूसरे में कमी होती है। तीसरा ऑप्शन क्या है, ओपी में कमी तथा टीपी में वृद्धि, बिल्कुल बात सही है। इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रासंगिक दाब के मान में धीरे धीरे कमी आएगी और स्फीति दाब में धीरे धीरे वृद्धि होगी। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, ओपी एंड टीपी दोनों में कमी, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सिमिलर तो हो ही नहीं सकता कभी भी। ध्यान रखिएगा आप कि ओपी और टीपी में एक साथ में वृद्धि होना, एक साथ में कमी होना संभव नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा, विचार कीजिए इसका, अपनी नोटबुक में लिखिए इसको। तीसरा ऑप्शन है ओपी में कमी तथा टीपी में वृद्धि, राइट आंसर तीन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। ये प्रश्न पढ़िए आप, खुले रंध्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि वातावरण की आपेक्षिक आर्द्रता 100% हो। आपेक्षिक आर्द्रता कितनी, 100%, उस समय खुले हुए रंध्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ऑप्शन से पूर्णतः खुले रहेंगे, दूसरा ऑप्शन से आंशिक रूप से खुले रहेंगे, तीसरा ऑप्शन से खुले या बंद होंगे और चौथा ऑप्शन से बंद रहेंगे। देखिए अपने हिसाब से इसका आंसर दीजिए, क्या हो सकता है इसका। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का आंसर, जब वातावरण के अंतर्गत 100% अपेक्षिक आर्द्रता होती है उस स्थिति में रंध्र पूर्णतः खुले रहेंगे। क्यों, रंध्र बंद उस स्थिति में होते हैं जब वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया सामान्यतः ज़्यादा होती है, उससे सल्त अवस्था में जाती है अथवा प्रकाश उसको नहीं मिल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है, उस स्थिति में होती है। लेकिन वातावरण में आर्द्रता संबंधी, इसका मतलब सीधा सा रिलेशन किससे आ रहा है, वाष्पोत्सर्जन के टॉपिक से आ रहा है, वाष्पोत्सर्जन से आ रहा है। आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन नहीं होता और नहीं होने से कोशिका में जल भरा रहेगा, फलसु कोशिका स्फीति अवस्था में ही बनी रहेगी, जब तक स्फीति अवस्था में तब तक रंध्र खुले रहेंगे, तो पूर्णतः खुले रहेंगे, न तो बंद होंगे और नहीं आंशिक रूप से खुले रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल की कमी आने से क्या बनता है। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, एब्सिसिक अम्ल ये भी पादप हार्मोन है, फाइटोक्रो एक वर्णक है और ATPase, जल की कमी आने से क्या बनता है। तो इस प्रश्न का आंसर है फाइटोक्रोम, ऑप्शन नंबर तीन, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है जो प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होता है, एब्सिसिक अम्ल एक पादप हार्मोन है, द्वार कोशिका उस कंडीशन में बनता है जब रेस्पिरेशन अधिक होता हो, फोटोसिंथेसिस कम होता, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक हो जाती है तब ये सक्रिय हो जाता है, और ATPase श्वसन क्रिया के द्वारा निर्मित होने वाला एक एंजाइम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस रसायन की सहायता से वाष्पो उत्सर्जन की तुलना की जाती है। रासायनिक पदार्थ का नाम बताना है, पहला ऑप्शन से कैल्शियम कार्बोनेट, कोबाल्ट कार्बोनेट, कोबाल्ट क्लोराइड और मर्क्यूरिक एसिड, ये प्रश्न पहली बार आ रहा है, इससे पहले हमने इस प्रश्न को नहीं पढ़ा था अर्थात इसका रिपीटेशन नहीं हुआ है अभी तक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कोबाल्ट क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, उपत्वचीय वाष्पो उत्सर्जन किसमें
अधिक होता है। जब हम वाष्पो उत्सर्जन की बात करते हैं तो वो तीन प्रकार का होता है, रंध्रीय, उपत्वचीय और वातरंध्रीय। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? रंध्रीय। इसके बाद में कौन सा होता है? उपत्वचीय। और तीन नंबर पे कौन सा होता है? वातरंध्रीय। लेकिन यहाँ जो पूछ रहा है वो क्या है कि उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन किस में सबसे अधिक होता है? तो पहला ऑप्शन है इसमें मरुद्भिद पादपों में, पहला शाकीय पौधों में, तीसरा वृक्षीय पौधों में और चौथा झाड़ियों में। उपत्वचीय, तो सबसे ज़्यादा उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन होता है शाकीय पौधों में। क्यों होगा इसका भी देख लीजिए। मृद्भिद पादपों में क्यूटिकल की एक परत पाई जाती है जिसके कारण उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, वो जल की हानि को रोकने के लिए ही करता है। वृक्षों में भी सेम टू सेम कंडीशन पाई जाती है। झाड़ी में एक मोटी परत पाई जाती है, पर्ण अधिक संख्या में होती है इसलिए सामान्य तौर पर रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। शाकीय पौधों में इस प्रकार की एक मोटी क्यूटिकल की परत नहीं पाई जाती अथवा पतली पाई जाती है, फलस्वरूप वाष्पोत्सर्जन सबसे अधिक शाकीय पौधों में उपत्वचा के माध्यम से संपन्न होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया स्पेक्ट्रम पे होती है, किस स्पेक्ट्रम पर हो रही है इससे संदर्भ है। तो विजिबल लाइट का कौन सा स्पेक्ट्रम होता है जहाँ पे वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया सामान्य तौर पर ज़्यादा होती है? पहला है हरा और बैंगनी, हरा और पराबैंगनी। सेकंड है नीला और पीला प्रकाश। तीसरा है नारंगी और सिंदूर लाल। और चौथा है नीला और लाल। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम से संबंधित अर्थात लाइट की उपस्थिति में, किस लाइट की उपस्थिति में रंध्र सबसे अधिक खुले होते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है रंध्रों की गति को प्रभावित करने वाले कारक जब पढ़ते हैं तो उसमें पहला कारक आता है प्रकाश, प्रकाश की स्थिति में आता है। तो जब रंध्र प्रकाश मिलता है तो रंध्र खुले होते हैं, लेकिन मृद्भिदीय पादपों में ऐसा नहीं पाया जाता है। तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के रंग की प्रकाश होता है जो सात रंगों से मिलकर बना होता है, उसमें से लाल और नीला रंग के प्रकाश में रंध्र सबसे अधिक खुले हुए होते हैं। तो जब खुले हुए होंगे तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का स्पेक्ट्रम क्या है जिस पे वाष्पोत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता है? तो ऑप्शन नंबर चार नीला और लाल रंग का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पादपों में वाष्पो उत्सर्जन रोधी के रूप में किया जाता है? वाष्पो उत्सर्जन रोधी का मतलब वाष्पो उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रयुक्त में लिए जाने वाले पदार्थ। जैसा हमने इससे पहले की क्लास के अंदर एक प्रश्न डिस्कस किया था कि जब पर्ण सतह पर वैसलीन लगा दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है क्योंकि वैसलीन जल के प्रति अपारगम्य होती है। तो ऐसे पदार्थ को वाष्पो उत्सर्जन रोधी या प्रति वाष्पो उत्सर्जक पदार्थ कहते हैं। तो ये इस प्रश्न में जितने ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों वाष्पो उत्सर्जन रोधी पदार्थ के रूप में हैं। फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट वाष्पो उत्सर्जन के रूप में, एस्प्रिन भी वाष्पो उत्सर्जन के रूप में, प्रति वाष्पो उत्सर्जन के रूप में काम आता है, सिलिकॉन तेल भी लिया जाता है। इसका मतलब तीनों ही लिया जाए तो इस प्रश्न में राइट आंसर कौन सा हुआ? उपरोक्त सभी। तो ये सभी पदार्थ कैसे हैं? वाष्पो उत्सर्जन रोधी या प्रति वाष्पो उत्सर्जक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाष्प उत्सर्जन एक नॉन एंजाइमेटिक क्रिया है। इसके Q10 का मान होता है, Q10 श्वसन गुणांक का है। Q10 का मान कितना होता है? तो इसका सीधा सा आंसर होता है 2। कितना है? 2 है। Q10 का मान हम कहाँ निकालते हैं? RQ का मान निकालते हैं, तब निकालता है। जबकि ये केवल वाष्प उत्सर्जन गुणांक के रूप में, जब नॉन एंजाइमेटिक क्रिया है जी, तो Q10 का मान 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्प उत्सर्जन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा? प्रकाश, ताप, वायुमंडलीय आर्द्रता। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है और हम कई बार इस प्रश्न को पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं। सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है वायुमंडलीय आर्द्रता। कौन सा है? वायुमंडलीय आर्द्रता जब अधिक होती है तो वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी। अब आप पूछोगे कि दूसरे अन्य कारक हैं वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आर्द्रता लंबे समय तक वातावरण में बनी रहती है। वायु का वेग, ताप और प्रकाश की अवधि इतनी नहीं होती है कि वो संपूर्ण वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित कर सके। किसके संदर्भ में? वायुमंडलीय आर्द्रता की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप के बढ़ने पर वाष्प उत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप बढ़ेगा तो वाष्प उत्सर्जन घटेगा कि बढ़ेगा? तो पहला ऑप्शन क्या है? घटेगी। दूसरा क्या है? बढ़ जाएगी। तीसरा, शाकीय पादपों में घटती है और वृक्षों में बढ़ती है। और चौथा, एकदम रुक जाएगी। बताइए, ये भी प्रश्न बिल्कुल ही सरल प्रकार का है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बढ़ जाएगी। ताप बढ़ने पर हमेशा वाष्प उत्सर्जन की दर बढ़ती है, लेकिन ये ताप कब होगा? एक निश्चित ताप प्रास होती है जो लगभग 20 डिग्री से लगा करके 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। लेकिन उसके बाद में, यानी 35 डिग्री से ऊपर जैसे ताप बढ़ता जाता है, तो वाष्प उत्सर्जन अधिक होने के कारण रंध्र बंद हो जाते हैं। जब रंध्र बंद हो जाएंगे तो वाष्प उत्सर्जन की दर घट जाएगी। शाकीय पादपों में घटती है, वृक्षों में बढ़ती है, तो ताप दोनों ही प्रकार के पादपों को समान रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वाष्प उत्सर्जन पूर्णतः अनुपस्थित होता है, पाया नहीं जाता, निमग्न मृद्भिद यानी डूबे हुए, धसे हुए, जमीन के अंदर धसे हुए छोटे छोटे प्लांट, समुद्भिद जो सामान्य जहाँ पर तापांतर में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, जलोद्भिद जो जल में पाए जाते, जल में डूबे हुए भी है, जल की सतह पे भी तैरते हुए मिलते हैं, मांसलोद्भिद पादप रात्रि के समय। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए आप। पहले हमने पढ़ा था इसको एक बार। तो इस प्रश्न का आंसर है जलोद्भिद में, क्योंकि जब कोई पादप जल में पाया जाता है तो इस पादप भाग से जल की हानि वाष्प के रूप में होने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही बाह्य वातावरण आर्द्रता सबसे अधिक होती है, तो वाष्प उत्सर्जन नहीं पाया जाएगा। इसीलिए निमग्न प्लांट जितने भी होते हैं वहाँ पे पर्ण की सतह पर रंध्र भी नहीं पाए जाते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है, कौन से वर्णक रंध्रों की खुलने तथा बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं? कौन से वर्णक? इससे पहले भी ये प्रश्न आया था कि जल की कमी होने पर कौन से वर्णकों का निर्माण हो जाता है, उसी से संबंधित है ये। तो रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य क्लोरोफिल करता है क्या? कैरोटीनॉइड्स, फाइटोक्रोम एंड फ्लेविन। प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ? फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम जल की कमी होने पर उत्पन्न होते हैं और रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रिया को निर्धारित करते हैं, रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्रकाशग्राही रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं? क्लोरोफिल ए,
क्लोरोफिल बी, फाइटोक्रोम और कैरोटीनॉइड्स। अभी हमने इससे पहले भी पढ़ा था वर्णक के संबंध में, अब पढ़ने हैं प्रकाश ग्राही घटक के संबंध में। तो इस प्रश्न का भी आंसर क्या होगा, पहले के समान फाइटोक्रोम। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न। वायुमंडलीय दाब गिरने पर वाष्पो उत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब वायुमंडलीय दाब गिर जाता है तो उस स्थिति में वायु वाष्पोत्सर्जन में दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगेन वाष्पोत्सर्जन की दर को या वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित है। पहला अप्रभावित रहेगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दाब गिरेगा बढ़ेगा, वाष्पोत्सर्जन में कोई परिवर्तन होगा, बढ़ जाएगी, मे बी पॉसिबल, धीरे धीरे घट जाएगी या तेजी से घटेगी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, जब दाब गिरेगा तो हमेशा वाष्पो उत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केटो एक्टिव यानी तमोस क्रियाशील स्टोमेटा पाया जाता है। तमोस क्रियाशील रंध्र का तात्पर्य होता है ऐसे रंध्र जो रात्रि में बंद खुले होते हैं और दिन के अंदर बंद होते हैं। तमो मतलब अंधेरा, क्रियाशील सक्रिय, किसके उपस्थिति में सक्रिय होता है, अंधेरे की उपस्थिति में। तो मांसलोद्भिद मृद्भिद में पहला ऑप्शन, या जलोद्भिद पादपों में, या समुद्भिद पादप, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ, जलोद्भिद पादप में तो मोस्टली निबंध पादप है तो रंध्र पाए नहीं जाते हैं, समुद्भिद में पाए जाते हैं, मांसलोद्भिद में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हुआ, मांसलोद्भिद में। क्यों, क्योंकि दिन के अंतर्गत ताप अधिक होता है, वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है, जल की हानि अधिक होती है, इसको रोकने के लिए पादप रंध्र को बंद कर लेता है और रात्रि में रंध्र को खोलते हैं ताकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके कोई विशेष मध्यवर्ती पदार्थ का निर्माण कर रहे और वो मध्यवर्ती पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में वापस विघटित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मित कर सके, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो। तो ये तमोसक्रिय स्टोमेटा मांसलोद्भिद पौधों के अंतर्गत पाए जाते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया है, किन पादपों में वाष्पोत्सर्जन होता ही नहीं है, पादप है लेकिन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न नहीं हो रही है। पहला ऑप्शन शैवालों में, दूसरा कवकों में, तीसरा निमग्न जलोद्भिद में और उपरोक्त सभी। एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। शैवाल जल में पाए जाते हैं, रंध्र होती नहीं है तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। कवक आर्द्र वातावरण में पाए जाते हैं, आर्द्रता अधिक होती तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होता। निमग्न जलोद्भिद जल के अंदर ही है, वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, अर्थात इन तीनों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती। तो चौथे में क्या लिखा हुआ है कि उपरोक्त सभी में अर्थात इन तीनों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती। तो ऑप्शन साइड कौन सा हुआ, चार नंबर का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया जो कि एमसीक्यू प्रकार के थे। नेक्स्ट क्लास में हम प्रकाश संश्लेषण को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में इसी प्रकार से उस चैप्टर से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू, नमस्कार।